हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लाइट के लगातार लेक्चर लेकर के आ रहे हैं और 5 लेक्चर होने के बाद यानी लेंसेज के रे डायग्राम बनाने के बाद हम लोग आज न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है हर फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे की जिंदगी में। ठीक है ना, तो वो जिंदगी आज आप जीने जा रहे हो। हम लोग लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन पर। ठीक है, तो बैक टू बैक पहले कंसेप्ट बिल्डिंग, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, केस बेस्ड स्टडी, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। आप समझते होंगे आजकल ये पूछे जा रहे हैं, है ना, सीबीएसई बोर्ड के अंदर और बाकी बोर्ड्स में भी हो सकता है पूछे जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि होने वाला है किस पर? न्यूमेरिकल पर, लेंस फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन। ठीक है ना, जैसा मैग्नीफिकेशन बच्चों मिरर में था थोड़ा सा वैसा ही है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है इसका। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पढ़ने क्या वाले हैं? सबसे पहले साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे बच्चों। साइन कन्वेंशन के बिना फॉर्मूला पॉसिबल, मतलब न्यूमेरिकल करने में एम्बिग्यूटी आ जाएगी, कोई कुछ कर रहा होगा कोई कुछ कर रहा होगा, इसलिए साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है ना। एक कन्वेंशन मान करके पूरा देश पूरी दुनिया एक ही कन्वेंशन को मान करके काम करेगी अगर, तो काम अच्छा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो वही वाली बात है, साइन कन्वेंशन को पहले पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों, मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे। डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूले का रट्टा मारना है और करके आना है, सीधी सी बात। ठीक है ना, डेरिवेशन नहीं है इसकी। न्यूमेरिकल करेंगे रिफ्रैक्शन पर थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, फिर पीवाईक्यू, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, चैलेंजर क्वेश्चन, वो सब चीजें जैसी हैं वैसी रहेंगी। तो बढ़ते हैं आगे बच्चों। ठीक है, तो आपके सामने अब दो लेंस आ चुके हैं, एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, एक लेंस है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है इकट्ठा करना, हमने बात करी हुई है इस बारे में, और कॉनकेव का काम होता है फैलाना, इसका काम है डाइवर्जिंग। मैं नोट कर लेता हूं आपके लिए, आपके लिए यहां पर इसको लिख देता हूं कि बच्चों इस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स और काम है इसका कन्वर्ज करना, काम है इसका कन्वर्ज करना। इसका नाम है कॉनकेव लेंस, काम है इसका डाइवर्ज करना। तो अब पूछा ही जाता है बच्चों कि यहां पर इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ये होता है फोकस वन, ये होता है डबल ऑफ फोकस वन, ये होता है फोकस टू और ये होता है डबल ऑफ फोकस टू। ऐसे ही कुछ यहां पर भी है, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर ओ, इसको बोलते हैं फोकस वन, इसको बोलते हैं टू एफ वन, इसको बोलते हैं एफ टू और इसको बोलते हैं टू एफ टू। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको, इतना तो पता है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब दो दो फोकस है यार, तो साइन कन्वेंशन कैसे समझेंगे हम? पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे, पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे? तो बच्चों याद करो, जैसा मिरर के अंदर हम लोगों ने किया था, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, कि हमने कार्टेशियन प्लेन माना था, याद आ रहा है? क्या माना था? कार्टेशियन प्लेन माना था। और कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम लोग कुछ ऐसा लिखा करते थे यार, कि ये होता है पॉजिटिव वाई, ये होता है नेगेटिव वाई, और ऐसे इस तरफ होता है पॉजिटिव एक्स, इस तरफ होता है नेगेटिव एक्स, और यहां होता है ओरिजिन 0,0। ये बात आप जानते हो। तो जितनी चीजें राइट की तरफ होंगी वो सब पॉजिटिव में होंगी, जितनी चीजें लेफ्ट में होंगी वो सब नेगेटिव में होंगी। तो जितनी चीजें आपने लेफ्ट में नापनी हो सब नेगेटिव में नापनी है, जितनी चीजें राइट में नापनी हो सब पॉजिटिव नापनी है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्टिकल सेंटर है यही ओरिजिन है, जो ऑप्टिकल सेंटर है वही ओरिजिन है, जो ऑप्टिकल सेंटर है वही ओरिजिन है, ध्यान रखना, जो ऑप्टिकल सेंटर है वही ओरिजिन है। उससे राइट सब कुछ पॉजिटिव, उससे लेफ्ट सब कुछ नेगेटिव, उससे राइट सब कुछ पॉजिटिव, उससे लेफ्ट सब कुछ नेगेटिव, उससे ऊपर सब कुछ पॉजिटिव, उससे नीचे सब कुछ नेगेटिव, इससे ऊपर सब कुछ पॉजिटिव, इससे नीचे सब कुछ नेगेटिव। यानी जब आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज लोगे तो आप जानते हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा जाता है, तो आपको एचओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेना पड़ता है बच्चों। ठीक है ना, बाकी और क्या क्या बातें आती हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ये जो बातें हैं वो अभी हम कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, तीन चीजें थी कौन कौन सी? एक थी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो। एक थी इमेज डिस्टेंस, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, याद करो। और एक चीज थी फोकल लेंथ, जिसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो। आ रहा है ना याद? एक बात बताओ, तुमने इतने सारे केसेस पढ़े कॉन्वेक्स के, दो केसेस पढ़े कनकेव के,
टोटल 8 केस आप लोगों ने पढ़े। मुझे एक बात बताओ, कोई भी ऐसा केस था क्या कि जिसमें हमने राइट साइड पर ऑब्जेक्ट रखा हो, लेंस के राइट में ऑब्जेक्ट रखा हो और इमेज बनाई हो? कभी ऐसा नहीं हुआ बेटा। हमेशा मैं कहां रखता था? लेफ्ट साइड रखता था। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप राइट नहीं रख सकते, लेकिन सारी दुनिया लेफ्ट रखती है। इसी को कन्वेंशन बोलते हैं, इसी को तो मैं पढ़ा रहा हूं। हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं बच्चों? लेफ्ट साइड रखते हैं। तो जब भी ओरिजिन के लेफ्ट में रखा जाएगा तो यू क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे नेगेटिव। आप ऑब्जेक्ट को यहां रखते हो या नहीं, यहां रखते हो या नहीं? लेफ्ट रखते हो ना। लेफ्ट रखते हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे बच्चों? हमेशा माइनस में लोगे। यहां लिख रहा हूं इस बात को कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किसमें रहेगा? ऑलवेज नेगेटिव। यहां लिख रहा हूं ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, इमेज डिस्टेंस तो अधिकतर अपने को फाइंड करना होता है, तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव तो देखने में आएगा ना। हम तो इसको फाइंड करेंगे ना, इमेज डिस्टेंस को। तो ये तो कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी नेगेटिव भी आ सकता है। तो अपन इसके लिए कन्वेंशन कोई नहीं लेते पहले से, इसके लिए पहले से कोई कन्वेंशन नहीं लेते हम लोग, फोकल लेंथ के लिए लेते हैं लेकिन। और लड़ाई भी यही मचती है, कनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में लड़ाई नहीं होती। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही है। इस केस में भी माइनस है, इस केस में माइनस है, लेकिन फोकल लेंथ दोनों केसेस में अलग अलग ली जाती है। एक में पॉजिटिव फोकल लेंथ ली जाती है, एक में नेगेटिव ली जाती है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, दो दो फोकस है ना, दो दो फोकस है ना। तो होता क्या है पता है, इसका काम है कन्वर्ज करना। बोलो हां, क्या है इसका काम? कन्वर्ज करना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कन्वर्ज करना चाहते हो तो रे को सामने से लेके आओगे और इस फोकस से गुजारोगे ना, ना कि इस फोकस से। तो मुझे बताओ, इसका राइट वाला फोकस एक्टिव है या लेफ्ट वाला फोकस एक्टिव है? किस तरफ कन्वर्ज करेगा ये? यहां ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसे कन्वर्जेंस होगा इसका, यानी यहां पर राइट वाला फोकस जो है वो काम में आ रहा है। राइट वाले फोकस को हम लोग यूज कर रहे हैं। और यहां देखियो, इधर देखियो बेटा, यहां से अगर मैं रे को सीधी लेके जाऊं तो ये फैलाता है, डाइवर्जिंग। इसका नेचर ही ऐसा है कि क्या करेगा, फैलाएगा। और फैलाएगा तो किसको यूज करके फैलाएगा बच्चों? फोकस को यूज करके फैलाएगा। मुझे एक बात बता, क्या इसने राइट वाले फोकस से बात करी कि लेफ्ट वाले फोकस से बात करी? इस फोकस को इनएक्टिव फोकस बोलेंगे, निष्क्रिय फोकस है ये। दो फोकस है ना, एक एक्टिव एक पैसिव, एक एक्टिव एक इनएक्टिव। तो वो निष्क्रिय या सक्रिय? ये सक्रिय फोकस है, ये काम में आने वाला फोकस है। तो एक बात बताओ, इस केस में नेगेटिव वाली फोकल लेंथ यूज होगी या नहीं होगी बेटा? और इस केस में कौन सी होगी? पॉजिटिव वाली होगी। बस लड़ाई खत्म, लड़ाई सॉल्व, है ना। हमने वो क्या बोलते हैं उसको, मांडवली कड़वा दी। अब तो भूलोगे नहीं, अब तो याद रहेगा ना। राइट वाला फोकस तो पॉजिटिव, लेफ्ट वाला फोकस तो नेगेटिव। तो कनकेव के अंदर हमेशा ही फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कनकेव के अंदर हमेशा ही फोकल लेंथ को क्या लिया जाता है बच्चों? नेगेटिव लिया जाता है। चाहे मिरर हो या लेंस हो, चेक कर लेना जाकर के मिरर वाले टॉपिक में भी, आपको एफ नेगेटिव ही मिलेगी वहां पर भी, ठीक है। इस वाले केस में क्या है बच्चों, इस वाले केस में हम ये वाली फोकल लेंथ यूज करते हैं, इधर वाली, ठीक है। और किसमें ली जाएगी फिर? ये पॉजिटिव में ली जाएगी। तो यहां पर फोकल लेंथ किसमें ली जाती है प्यारे बच्चों? प्लस में ली जाती है। नहीं आया समझ में? अरे बोलो, समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना, ठीक है। तो U के लिए तो लड़ाई कभी है ही नहीं, U तो हमेशा ही क्या होगा, माइनस ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हमेशा लेफ्ट ही रखते हैं। फोकल लेंथ पर लड़ाई मचेगी, फोकल लेंथ पर आपकी सोच बैठेगी कि भाई क्या करना है, लेंस कौन सा दिया है क्वेश्चन में, कन्वेक्स दिया है कि कनकेव दिया है, कन्वर्जिंग दिया है कि डाइवर्जिंग दिया है। उस बेसिस पर आपको ये डिसाइड करना है बच्चों कि आपने लेफ्ट वाला फोकस एक्टिव मानना है कि राइट वाला फोकस एक्टिव मानना है, या होता है जो मर्जी कह लो, उस हिसाब से आपको फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव लेनी पड़ेगी। बोलो समझ में आया या नहीं आया? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया, ठीक है। और क्या बताएं इस बारे में? बस साइन कन्वेंशन ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस समझ में आ गया, हर डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ही लिया जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बस ठीक है ना। तो ये साइन कन्वेंशन हो गई बच्चों, ठीक है। और पॉजिटिव वाई की बातें भी एक बार कर ले अगर हम, तो कि ये वाली जो हाइट है इसको बोलते हैं एचओ, और ये प्लस में लिया जाता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी टेकन इन पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज तो निकल के आएगी तब पता चलेगा भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो या खड़ी हुई बनती है ऐसी बड़ी, इतनी बड़ी, कभी नीचे भी बनती है, कभी इधर बनती है, कभी उधर बनती है, वो तो देखेंगे, इमेज को तो देखेंगे, है ना। इमेज तो देखने वाली बात है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो आपके रखने वाली बात है ना, ऑब्जेक्ट तो आपके हाथ में है ना, फोकल लेंथ आपके हाथ में है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके हाथ में है, इमेज डिस्टेंस तो निकल के आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपको मैं अब फॉर्मूला दिखा देता हूं, जरा लेंस फॉर्मूला।
तो बच्चों यही है लेंस फॉर्मूला। याद करो मिरर फॉर्मूले के अंदर क्या था, मिरर फॉर्मूले के अंदर 1/f बराबर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था, यहां पर प्लस की जगह माइनस है, बस इतना अंतर है। यहां पर प्लस था मिरर में, इस बार यहां माइनस है लेंस में। जब भी लेंस लिया जाएगा माइनस लिया जाएगा, जब भी मिरर लिया जाएगा पॉजिटिव लिया जाएगा। समझ में नहीं आया क्या? आ गया ना, पक्की बात। नेगेटिव लेंस के केस में, पॉजिटिव मिरर के केस में, ठीक। एम में भी उल्टा है, मैग्निफिकेशन में भी उल्टा है। वहां मैग्निफिकेशन क्या थी? वहां थी माइनस वी बाई यू। याद करो, साइड में लिख भी देता हूं, मिरर के अंदर क्या थी? माइनस वी बाई यू थी इन द केस ऑफ मिरर। लेकिन ये लेंस का केस है बच्चों, यहां माइनस का प्लस, प्लस का माइनस उलट जाता है। यहां माइनस, वहां प्लस था, यहां माइनस हो गया, वहां माइनस था, यहां क्या हो गया, यहां प्लस हो गया। तो एम इज इक्वल टू वी बाई यू, सिंपल, ठीक है ना। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये बाय कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है ना, बाय डेफिनेशन। ये वाला फॉर्मूला, ये डिराइव्ड फॉर्मूला है, ये बाय डेफिनेशन फॉर्मूला है कि एम बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो वहां पर भी ऐसा ही था, ये यहां पर भी ऐसा ही है, ठीक है ना। और ये सारी बातें भी ऐसी की ऐसी ही हैं जो वहां पर थी। ये ट्रिक्स मैंने आपको वहां पर दी थी, ये ट्रंप कार्ड, ये टूल्स, ये हथियार मैंने आपको वहां दिए थे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के। क्या हथियार थे यार? कि अगर आपकी एम की वैल्यू, अगर आपकी एम की वैल्यू एक और शून्य के बीच में है, यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4, 0.5, 0.98, ऐसी कोई वैल्यू अगर आपकी बीच में आ रही है 0.7 के बीच में, तो आपकी इमेज डिमिनिश्ड है। 1 के बराबर आ रही है तो सेम साइज है, 1 से बड़ी आ रही है तो एनलार्ज्ड या मैग्निफाइड है। एनलार्ज का ही दूसरा नाम मैग्निफाइड भी होता है, ठीक है ना। तो एम बड़ा आ रहा है अगर 1 से, तो इसका मतलब उसी रेशियो से वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, उतने ही गुना वो बढ़ रही है। अगर m की वैल्यू मान लो 2 है, तो इसका क्या मतलब है कि इमेज जो बनी वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले दुगनी लंबी है। 3, अगर m की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब क्या, 3 गुनी बड़ी बनी है। 10 है, तो इसका मतलब क्या, 10 गुनी बड़ी बनी है। ये m की वैल्यू डिसाइड करती है कि कितने गुना इमेज की हाइट बढ़ गई है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। कुछ समझ में आया ना? और जब भी ये निकालना है, साइन नहीं देखना, ये करते हुए साइन नहीं देखना। माइनस में आ रहा है, छुपा लो उसको, एम की वैल्यू आपको दिख जाएगी, यहां लाई कर रही है कि यहां लाई कर रही है कि यहां लाई कर रही है। साइन छुपा के काम करना है, ये काम करना है साइन छुपा के, साइन नहीं देखना। बार बार बोलता हूं, फिर भी बच्चे बोलते हैं सर इससे आंसर नहीं आया हमारा, छिपा लेना, ठीक है, साइन छिपा लेना। छ है ये ठीक है, साइन छिपा लेना जब भी आप ये देखोगे। और साइन अगर देख रहे हो, साइन पर आपकी नजर पड़ गई, तो साइन पर नजर पड़ने से आपको सिर्फ इतना और इतना और इतना ही पता करना है कि प्लस हो तो इरेक्ट है, और इरेक्ट के साथ वर्चुअल फ्री मिलता है, बोलो हाँ, इरेक्ट के साथ वर्चुअल फ्री मिलता है, और इन्वर्टेड के साथ रियल फ्री मिलता है आपको, हाँ या ना। तो यहीं से सारा नेचर बन जाता है, यहीं से सारा नेचर बन जाता है बच्चों इमेज का। जब भी नेचर लिखना आए आपके दिमाग में, सारी बातें चल जानी चाहिए तुरंत, ठीक है। एक बार आंखों के आगे से निकाल लो इन बातों को। तो चलिए भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और पहले सॉल्व करेंगे इसको। उम्मीद करता हूं आपने इसको सॉल्व किया होगा बच्चों। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? एक ऑब्जेक्ट को रखा गया 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। जो जो दिया वो लिख लेता हूं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपन लोग यू लिखा करते हैं ना, तो U कितना दिया हुआ है बच्चों? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मुझे जल्दी से बताओ, इसको प्लस लू या माइनस लू? मन में बोलो प्लस या माइनस। माइनस, U तो हमेशा ही माइनस में होता है, सोचने वाली बात ही नहीं है। U तो हमेशा माइनस में ही होता है फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। अरे कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है या कॉनकेव होता है? कन्वर्जिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, और इकट्ठा कौन करता है? इकट्ठा करता है कॉन्वेक्स। तो कन्वर्जिंग माने इकट्ठा करना, इकट्ठा करना मतलब कौन? अरे कौन है बताओ? कॉन्वेक्स है ये, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, उस तरफ होती है, राइट साइड होती है। आप लोग जानते हो मिरर, जैसी मिरर में थी वैसे यहां पर भी है, सेम है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो प्लस में ही ली जाएगी, ठीक है ना, प्लस में ली जाएगी। नेचर निकालना है, पोजिशन निकालनी है, बोले तो आपको वी निकालना है और एम निकालना है। एम के बिना नेचर मत लिख के आया करो, मनमर्जी का नेचर नहीं होता, एम निकालना होता है आप लोगों को, ठीक है। एम निकालना। चलो सॉल्व करते हैं इसको जल्दी।
फॉर्मूला कौन सा लगेगा? लेंस फॉर्मूला, है ना। लेंस फॉर्मूला क्या है बच्चों? 1/f = 1/v - 1/ui यहां पर, क्योंकि लेंस सही है बच्चों, लेंस सही है, माइनस आएगा यहां पर। पुट करते जाते हैं और आंसर निकालते जाते हैं। 1/5 = 1/v माइनस, और माइनस का यहां पर क्या है बच्चों? 10 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, प्लस हो जाएगा, हाँ या ना? ये प्लस 1/10 उठ के यहां आएगा, माइनस में हो जाएगा कन्वर्ट, आप लोग जानते हो इस बात को। तो 1/v = ये इधर आएगा, तो ये तो इधर ही है ना, ये तो यही है, ये तो प्लस ही रहेगा, और वो उठ करके यहां चला गया, तो ये किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। 5/10 का एलसीएम होता है 10, 5/10 का एलसीएम होता है 10, 5 2s are 10, 10 1s are 10, 2 में 7 गए 1, 1/10, 1/v, v कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। तो 10 सेंटीमीटर भी कैसा आया है? पॉजिटिव का आया। इसका मतलब इमेज क्या बन रही है? राइट साइड बन रही है, राइट साइड बन रही है, और फोकल लेंथ के डबल पर बन रही है। चेक कर लो, चेक कर लो। 10 सेंटीमीटर पर आने का मतलब क्या? 10 सेंटीमीटर आने पर आने का मतलब ये कि F पर, F तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन 2F पर आपको इमेज दिख रही है। 2F वाला केस है ये, कॉन्वेक्स का, ये कॉन्वेक्स का 2F वाला केस है बच्चों। M की वैल्यू आप चेक करना, भी 1 आएगी निकल करके, ठीक है ना। ये बच्चा गैस कर लेता है, ठीक है ना, करता करता गैस कर लेता है इन चीजों को। कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं मैंने कि यू और एफ की वैल्यू देखेंगे बस, U और F, उनको इतना बता दो, U और F बता दो, बाकी सब खुद ही निकाल लेते हैं, वो खुद ही गेस कर लेंगे बिना पेन उठाए के, कहां पर इमेज बनने वाली है, ये कौन सा केस है, कैसी इमेज बनने वाली है, उसका नेचर वेचर सब गेस कर लेते हैं। तो ये एप्टीट्यूड आप सबने बनाना है बच्चों। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ट्राई करो कि कैसे यू और एफ से ही हम लोग पूरा नेचर बता दें, मन में बता दें, ताकि हम मन में श्योर हो जाए कि भाई हमारा आंसर जो आने वाला है वो मैच करने वाला है। मन और लॉजिक दोनों मैच करते होने चाहिए, ठीक है ना, तो मजा आएगा आपको। चलिए कोई नहीं, m निकालते हैं यार। m का फॉर्मूला क्या होता है? यहां v बाई यू होता है। v कितना आ रहा है? पॉजिटिव 10। u कितना था बेटा? -10। 10 से 10 कट गया यार, m की वैल्यू -1 आई है। साइन छुपा ले एक मिनट के लिए, जैसे ही साइन छुपाएगा m बराबर 1 हो जाएगा, यानी मतलब हो गया सेम साइज। नेचर आ गया सेम साइज, ठीक है ना। साइन छुपा करके पता चलता है ये साइज का, बताया हुआ मैंने आपको, साइन छुपाना पड़ेगा। अब साइन को ही देखो, बस जिसको छुपाया था उसी को देखो। साइन क्या है? साइन नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब होता है कि इन्वर्टेड बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है इमेज, यानी इन्वर्टेड है, और रियल तो साथ में फ्री मिलेगा आपको, है ना। तो रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। और एक जो नेचर होता है वो यहां से पता चलता है अपने को, 10 से। तो इसने क्या बता दिया? इसने ये बता दिया कि कहां बन रही है? एट 2f2 बन रही है। अगर अभी समझ नहीं आया तो आप एक काम कर रहो, आप एक काम करो कि आप डायग्राम बना लो। ये लो डायग्राम बना लेते हैं इसका, रे डायग्राम बोला नहीं है लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखिए जरा, ऑब्जेक्ट रखिए जरा, कहां रखें भाई? F तो 5 है, U 10 है, यानी यहां पर रखना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट, यहां रखना पड़ेगा। पहली रे सीधी फोकस से जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी सीधी, तो ये कहां बनती है? ये एग्जैक्ट 2F2 पर बनती है ये, ठीक है ना। ये वही वाला केस है बेटा, 2F1 2F2 वाला केस है। आप चेक कर लो, रियल है हाँ है, इन्वर्टेड है हाँ है, 2F2 पर है हाँ है, सेम साइज है हाँ सेम साइज भी है। तो मतलब अपना लॉजिक भी और अपना रे डायग्राम भी और अपना फॉर्मूला भी और उस सब चीजों से, यानी एनालिटिकली भी, मैथमेटिकली भी और लॉजिकली भी, सब चीजें कंबाइन होकर के हमारा आंसर ठीक आ रहा है। इस तरीके से आप एश्योर होगे कि आपको 3 नंबर मिल जाएंगे जेब में, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था इसलिए देर लगा रहा हूं, नहीं तो इतनी देर लगाने की जरूरत नहीं होती। अगला करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है 15 सेंटीमीटर पर, सॉल्व करना जरा। चलो मैं करता हूं, U कितना है बच्चों? 15 सेंटीमीटर, बोलो जरा, प्लस लू माइनस लू? हमेशा माइनस, हमेशा माइनस। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है यार? डाइवर्जिंग लेंस का मतलब होता है ये वाला लेंस, ये वाला कौन सा होता है यार? कॉनकेव होता है। और इस कॉनकेव का कौन सा फोकस एक्टिव होता है? लेफ्ट वाला फोकस एक्टिव होता है, ये वाला ऐसे जाता है ना, ये इस फोकस को यूज करती हुई जाती है, तो लेफ्ट वाला फोकस एक्टिव होता है, यानी इसकी फोकल लेंथ भी माइनस में लेनी पड़ेगी 6 सेंटीमीटर, हाँ या ना। नेचर और पोजीशन निकाल लिया, माने फिर से आपने v भी निकालना और m भी निकालना। आइए सॉल्व करते हैं इसको,
वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू पुट कर दो, वन बाय माइनस सिक्स इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस माइनस का कितना 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस उठ के यहां आ जाएगा और वन बाय वी उठ के यहां आ गया, पहले इसको वन बाय 15 लिख देता हूं, है ना, ओ नहीं माइनस माइनस प्लस तो यही हो जाएगा, उठ के वहां जाएगा तो माइनस में आ जाएगा फिर से, ये गलती करने से बचा लिया तुम लोगों ने मुझको, थैंक यू, मैंने खुद को बचाया वैसे। ये वन बाय सिक्स, 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है शायद, है ना, 6 5 जा 30, ठीक है 30 होता है, तो 30 ले लेता हूं इसको, 15 2 जा 6 5 जा, भाई माइनस टू माइनस फाइव क्या हो जाता है यार, माइनस सेवन हो जाता है कि नहीं हो जाता, माइनस सेवन बाय 30 आ गया, वन बाय वी, इसको भी पलट दो, इसको भी पलट दो, आपका वी निकल के आ गया, वी निकल के आ गया, कितना आ गया माइनस 30 अपॉन 7 सेंटीमीटर, डेसिमल में लिखो, बहुत अच्छी बात है, मैंने ऐसी छोड़ दिया, टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि मुझे एम भी निकालना है साथ में, वी आपका निकल के आ गया 30 अपॉन 7 सेंटीमीटर, वो भी किसका, माइनस का, माइनस का आया है, माइनस का आया है, एम निकालते हैं, चलो एम निकालते हैं, कलर चेंज करके एम निकालते हैं, बच्चों एम का फॉर्मूला होता है वी बाई यू, तीन नेचर देगा आपको, बहुत जरूरी है निकालना, ये नेचर लिखा, नेचर लिखना चाहते हो ना, एम निकाले बिना काम नहीं चलेगा, वी कितना है मेरे बच्चे माइनस 30/7 है, लिख दिया, यू कितना है मेरे बच्चे, यू कितना है यार माइनस 15 है, माइनस 15 है, माइनस से माइनस कट गया, 15 × 15 = 30, एम बराबर आ गया 2/7, एम आ गया 2/7, ये वैल्यू वन से छोटी और जीरो से बड़ी है, क्या कहते हो वन से छोटी जीरो से बड़ी है, यानी यहीं से नेचर निकल के क्या आ गया यार, नंबर वन ये तो डिमिनिश्ड है, नंबर दो, नंबर तीन, एक बात बता, m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही या नेगेटिव आ रही, m की वैल्यू प्लस या माइनस, अरे प्लस है यार, प्लस है तो क्या लेंगे यार, इरेक्ट, और इरेक्ट लेंगे तो वर्चुअल फ्री मिलता है, क्या कहते हो, है ना, और बाकी इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो ये बिहाइंड द लेंस आएगा, यानी यहां पर चौथा जो नेचर बनेगा ये बनेगा बिहाइंड द लेंस, कोई नहीं मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखा रहा हूं, बिहाइंड द लेंस डायग्राम कुछ ऐसा होगा प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस वन, 2f1, f2, 2f2, ठीक है, f कितना दे रखा है बच्चों, 6 दे रखा है, और u कितना है 15 है, तो 6 × 6 = 12 और 15 कहां होगा यार, यहां होगा, है ना, 2f से भी पहले होगा ये, तो आपने पहली रे सीधी डालनी है जो कि फोकस को यूज करके फैलाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकालो जरा, ये देखो कहां बना, अरे कहां बना, अरे बोलते क्यों नहीं हो, यहां बना, ओ और f1 के बीच में बना, ठीक है ना, ओ और f1 के बच्चों बीच में बना, यहां कोई डिस्टर्ब कर रहा है मुझको इसलिए मुझे हंसी आ रही है, कोई नहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना हम लोगों को, ठीक है ना, हम लोग लगातार पढ़ाते रहेंगे, ठीक है, थक जाओगे ऐसे मत खड़े हो आप, और f1 के बीच में हमने क्या रखा हुआ बच्चों, इमेज रखी हुई है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर टॉल, लंबा है हाँ बहुत लंबा है, 2 सेंटीमीटर टॉल है, ठीक है, तो आपने इसको HO लेना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लू या नेगेटिव लू, क्या कहते हो, पॉजिटिव लू या, अरे पॉजिटिव लेना पड़ेगा यार, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही रखा जाता है, ऐसे थोड़ी रखा जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐसे ही रखते हो आप, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ रखते हो आप इसको, है ना, तो प्लस लेना पड़ेगा इसको, इस प्लेस दैट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, फिर से आ गया कन्वर्जिंग लेंस, यानी ये वाला लेंस आ गया, कॉन्वेक्स लेंस आ गया, यू 10 सेंटीमीटर है ना, और वो भी आपको बच्चों माइनस में ही लेना होता है, हमेशा आप समझते हो इस बात को, फोकल लेंथ कितनी है यार 6 सेंटीमीटर आ गई, और इस बार कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, क्योंकि इसका राइट वाला फोकस एक्टिव होता है, राइट वाला फोकस एक्टिव होता है, ऐसे रे आएगी तो किससे जाएगी यार, राइट वाले फोकस से जाएगी, ये कन्वर्ज करता है, राइट वाला फोकस एक्टिव होता है, इसलिए फोकल क्या ली जाती है, इसकी पॉजिटिव ली जाती है, इतना समझ में आ गया लगता है ना, क्या फाइंड करना, साइज, नेचर और पोजीशन, ठीक है, मतलब वी निकालना है, एम निकालना है और एच आई निकालना है आपको, हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है बच्चों, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है आप लोगों ने, ठीक है, वी, एम और एच आई, तो शुरू करते हैं, वन बाय एफ बराबर वन बाय वी माइनस वन बाय यू पुट करके आंसर निकालना है बस यार, कुछ नहीं करना, वन बाय एफ कितना है 6 है, वी नहीं पता, और यू कितना है यार, यू तो माइनस 10 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा वन बाय वी प्लस वन बाय 10 और यहां 1/6, ये 1/10 उठ के यहां आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 1/6 प्लस में और 1/10 माइनस में,
ठीक है, 6 और 10 का एलसीएम 30 ले लेते हैं अपन, है ना। तुम मेरी गर्दन पकड़ लोगे, बोलोगे कि भाई सर ये तो 60 थोड़ी होता, 30 होता है, एलसीएम तो आपने गलत निकाला। अरे यार चलता है यार, आंसर आना चाहिए, बस मेन बात है अपने अपने तरीके सॉल्व करने के, मैथ थोड़ी पढ़ा रहे हैं यहाँ। 6 और 10, 6 पंजे 30 हो गया, 10 तीये 30 हो गया, 6 पंजे 30, 10 तीये 30, 5 में से 3 गए 2 आ गया, 2/30 कटोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, है ना। तो वी कितना आ गया बच्चों, वी आ गया 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव का 15 आ गया, यानी रियल इमेज राइट साइड पर बन रही है 15 सेंटीमीटर पर, और वो भी बन रही है एफ और 2F और उससे भी बियॉन्ड बन रही है ना। F6 है 2F 12 होगा, 12 से भी बियॉन्ड 15 भी बन रही है, तो 15 बन रही है। तो M लगाते हैं, M का फॉर्मूला लगाते हैं, M बराबर क्या है, V बाय U। V कितना है यार, 15 है, U कितना है यार, -10 है, -10 है। 5 से काट दो इसको, ये 3 पर जाएगा, 2 पर जाएगा, 3.2 यानी 1.5 आया, वो भी किसका, माइनस का। एक बात बताओ, क्या ये वैल्यू 1 से बड़ी है? उत्तर है हाँ बड़ी है, है ना, 1 से बड़ी है ना, हाँ बिल्कुल सही है भाई, 1 से बड़ी है ये वैल्यू, वो 1 से बड़ी है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एनलार्ज्ड बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। नंबर 2, साइन छुपा के ही देखा था ना, अब साइन को देख लो, साइन कितना है, साइन कैसा है, साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नीचे बन रही है यानी इन्वर्टेड बन रही है, तो दूसरा क्या बोलेंगे कि इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और तीसरा क्या बोलेंगे यार, रियल है, साथ में फ्री मिलता है, और नंबर 4 बियॉन्ड, बियॉन्ड 2F बन रही है ना, बियॉन्ड 2F बोलेंगे इसको, तो बियॉन्ड 2F2 बन रही है, ठीक है यार। और क्या निकालना है, साइज निकालना है, यानी हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो इधर निकाल लेते हैं, हैं, यहां निकाल लेता हूं छोटी सी जगह में भाई। एम का फॉर्मूला होता है HI/HO, होता है कि नहीं होता, HI/HO, M कितना आ रहा है बच्चे, माइनस का 1.5 आ रहा है, -1.5 आ रहा है, उसको मैं HO से मल्टीप्लाई कर देता हूं, HO कितना है, 2 है, और बराबर हो गया HI, ये आ गया 3, वो भी किसका, माइनस का, ये माइनस का 3 सेंटीमीटर आएगा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी, माइनस की 3 सेंटीमीटर आएगी, और आनी भी चाहिए क्योंकि एनलार्ज्ड है, तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज जो है वो बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट तो कितना था, 2 सेंटीमीटर था, इमेज जो बन रही है वो 3 सेंटीमीटर, यानी 1.5 गुना बढ़ गई, 1.5 से मल्टीप्लाई होकर के 1.5 गुना बढ़ गई, वो देख लो आपके सामने, ये एनालिसिस आपके सामने है, ठीक है बच्चों। अब करते हैं धड़ाधड़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो अब आप हर बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे और अच्छा आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हट के आते हैं थोड़े से, तो हर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां पर लगभग, जो अलग अलग टाइप के हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर इन साइज का, इस प्लेस है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल एंड 15 सेंटीमीटर एडवर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प शार्प इमेज, व्हाट विल बी द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। आपको होमवर्क में करना है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप पर भी देना है या आप कमेंट में दे सकते हो, ठीक है आपकी मर्जी है। जो टेलीग्राम नहीं चला रहे हैं बच्चे तो वो कमेंट में दे देंगे, और बाकी जो लोग टेलीग्राम चला रहे हैं वो टेलीग्राम के अंदर इसका आंसर देंगे। ये होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ऐसा ही है जैसे अभी तक 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, हल्का ही है ये क्वेश्चन, ठीक है, चिंता वाली बात नहीं, हिंट मैं फिर भी आपको दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, हिंट जरूर ले लो, और हिंट नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, पॉज करके सॉल्व करो इसको। ये 2 सेंटीमीटर इन साइज का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है बच्चों आपको, 2 सेंटीमीटर प्लस में लेनी पड़ेगी, ऊपर की तरफ खड़ा करते हैं ऑब्जेक्ट को हम लोग, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, यानी ये यू दे रखा है बच्चों, यू को प्लस में नहीं लेते माइनस में ही लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है यार, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है तो इसका राइट वाला फोकस एक्टिव होता है, लेफ्ट वाला तो इनएक्टिव होता है इसका, क्योंकि लाइट आकर कैसे गिरती है और यहां से पास करती है इसको, तो फोकल लेंथ क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव की 15 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है ना, प्लस की 15 सेंटीमीटर। पूछता है जी कहां स्क्रीन रखूं कि मुझे इमेज मिल जाए, बोले तो इमेज डिस्टेंस ही पूछ रहा है आपसे, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहा है, ऐसा ही होता है, स्क्रीन कहां रखी जाए, रियल इमेज बनने वाली है ना, इसलिए पूछ रहा है कि स्क्रीन कहां रखूं कि मुझे इमेज दिख जाए। What will be the nature and size? वही बात है यार, नेचर के लिए आपको m निकालना पड़ता ही है, निकालना चाहिए भी, और आपसे पूछ रहा है साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, यानी हाइट ऑफ इमेज निकालनी है बच्चों आपको। ड्रॉ रे डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, बहुत जरूरी रे डायग्राम बनाना है ना, उससे आपको और थोड़ी क्लियरिटी आएगी इस चीज के अंदर, तो जरूर इसको आप लोग अटेम्प्ट करना, पढ़ते हैं आगे। ओके, थोड़ा अलग क्वेश्चन है तो इसलिए हम लोग मतलब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। अ कॉन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, बेटा कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी पॉजिटिव में लेनी पड़ेगी ना,
इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. बोल रहा है कि इस बार इमेज डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी v जो है वो कितना है, v जो है वो 15 सेंटीमीटर है. ठीक है, v जो है वो 15 सेंटीमीटर है. अब इसने ये नहीं बताया मेरे को कि v इस साइड है या इस साइड है, मतलब इमेज राइट साइड पर बन रही है या लेफ्ट साइड पर बन रही है. जजमेंट करनी पड़ेगी. जजमेंट कैसे होगी, पिछले वाले लेक्चर का रे डायग्राम एक बार आंखों से लेके आना पड़ेगा आपको, निकाल करके उसको एक बार अपनी आंखों के आगे से गुजारना पड़ेगा. मुझे एक बात बताओ, कितना भी दे रखा है इसने, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ऐसा कोई केस है क्या जिसके अंदर फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में कहीं इमेज बन रही हो, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में कहीं इमेज बन रही हो, तब तो इसको हम लेंगे माइनस में. क्योंकि हम ऐसा सोचेंगे कि ये O, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2, और आपने ऑब्जेक्ट को कहीं यहां रखा होगा, ऐसे निकाला और ऐसे निकाला, तो आपको इमेज कहां बनती दिख रही है, इमेज आपको पीछे बनती दिख रही है. तो इसी का एक केस होगा कि आप थोड़ा सा और आगे खिसका दो इसको, मतलब ऐसे कर दो ए कुछ समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं. ये डिस्टेंस से लेकर के ये डिस्टेंस तक, मतलब जहां आपकी इमेज बन रही है, का डिस्टेंस 15 है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है 15 सेंटीमीटर होने की, और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 20 है. वो इधर भी 20 ही होगा. ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्या आपने कोई भी ऐसा केस देखा है जिसके अंदर राइट साइड में इमेज बन रही हो और ओ और एफ टू के बीच में बन रही हो, ओ और एफ टू मतलब ऐसी कोई इमेज बन रही हो, सोचना जरा. 6 केस पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों, 6 केस पढ़े थे आपने. ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है. कोई ऐसा केस था क्या जिसमें इमेज ऐसी बन रही हो, ऐसी, ये बोलो, था कोई ऐसा केस? एक भी नहीं था कि जिसमें O और F2 के बीच में इमेज बन रही हो. बोले तो एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस हो गया कि V को आप प्लस नहीं ले सकते, आपको V क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि V तो यार कितना है, -15 है, मतलब 15 है, वो 15 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो 20 है, यहां तक का तो 20 है, यानी इमेज को कहां आना पड़ेगा, 15 पे आना पड़ेगा. और ऐसा कोई केस ही नहीं है अपने पास यार, रियल इन्वर्टेड का कोई केस हो जहां O और F1 के बीच में इमेज बन रही हो तो मुझे भी बता देना भाई, हम भी अपने ज्ञान को अपडेट कर लेंगे. जबकि ऐसा कोई केस नहीं है बच्चों, ठीक है, ज्योमेट्रिकली पॉसिबल ही नहीं है ये, तो इसलिए ये केस बिल्कुल सही है. इसलिए आपको वी क्या लेना पड़ेगा, इस तरफ लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इमेज जो है वो ये है बच्चों, ये इमेज है आपकी. उम्मीद करता हूं आपको ये हिंट समझ में आया है ना. सॉल्व तो मैं पूरा कर रहा हूं, इसको चिंता मत करना. तो V हमारा क्या आ गया बेटा, -15 आ गया है. इसमें कोई शक वाली बात अपने को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि V 15, पॉजिटिव 15 हम नहीं ले सकते, -15 लेना पड़ेगा. आगे कह रहा है कि कहां रखूं इस 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट को, यानी HO दे रखा है 5 सेंटीमीटर को, कहां रखूं, यानी U निकालना है आपको. U निकालना है तो यार हम लोग सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U है ना. तो ये हो गया 1/F, कितना है यार 20, V कितना है यार माइनस का 15, माइनस 1/U. इस माइनस 1/U को उठा के यहां ले जा और 1/20 को उठा के वहां ले जा, ये प्लस में आ जाएगा और वो माइनस में हो जाएगा, है ना. तो मैं इसी को आगे सॉल्व करूं तो यहीं पे कर देता हूं. चलो इधर आ गया, तो ये हो गया 1/U इज इक्वल टू -1/15 - 1/20, ठीक है, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चों. 4 पे ये 3 पे ये और माइनस माइनस का साइन अपनी जगह है ही है, और ये 1/U के बराबर है. तो ये आ गया कितना, ये आ गया -7/60. अब एक काम करो, इसको भी रेसिप्रोकेट कर दो और इसको भी रेसिप्रोकेट कर दो, तो आपका U निकल के आ जाएगा -60/7. क्या कहते हो, और आपका U माइनस में ही आ रहा है और ये माइनस में ही आना चाहिए. अगर ये माइनस में नहीं आता
कुछ और कर लेते हो आप, कुछ इलॉजिकल काम कर लेते हो, और अगर ये माइनस में नहीं आता तो भाई ठन होगी है, आपको सारा बैक करके वापस जाना पड़ेगा और शुरू से सॉल्व करना पड़ेगा, और जिस तरीके से मैंने किया वैसा ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको, कोई चारा नहीं है। आपका यू नेगेटिव में ही निकल के आना चाहिए बच्चों, वही तो लॉजिक है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, लेफ्ट साइड पर रखा गया है। तो 60 अपॉन 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये आपका यू आ गया। और क्या पूछ रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, यानी एचओ तो दिया हुआ है, एच आई भी पूछना चाह रहा है वो आपसे। तो एच आई निकालने के लिए एम तो पहले निकालना ही पड़ेगा, तो एक काम करते हैं हम लोग एम निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहां मैं एम लिख रहा हूं, एम होगा क्या वी वाई यू, वी कितना है, कितना माइनस पंद्रह, यू कितना है -60/7, ये अपॉन वाला 7 ऊपर चला जाएगा, ये 15 चौके 60 कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 7/4, क्या कहते हो, ये m की वैल्यू आ गई। अब ये m जो होता है ये hi / ho के बराबर भी होता है, 7/4 पुट कर दिया मैंने इसके सामने, ho कितना है यार, ho तो 5 है, तो hi निकल के क्या आया, एचओ वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी 7/5 ही है ना, 7/5 35/4, ठीक है ना, तो 35/4 कटिंग, और एच आई का आंसर आपका सेंटीमीटर में निकल आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, समझ गए बात को, बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको ये। ड्रॉ द रे डायग्राम इन ईच केस टू शो द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये लो यार बना रहा हूं, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1, 2f1, f2, 2f2, क्या बोल रहा है ये, कह रहा है 2f पर रखा गया है, यहां रखा गया ऑब्जेक्ट आपका, तो बच्चों यहां रखा गया अगर आपका ऑब्जेक्ट तो ऐसे जाएगा और ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और आपका एग्जैक्ट 2f2 पर बनेगा, ठीक है। तो नेचर आप बता सकते हो, शो द, अच्छा सिर्फ रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, पोजीशन नेचर लिख देना इसका, कोई बात नहीं लिख देना। एरो बनाओगे नहीं तो नंबर कटते हैं बेटा, ये एरो दिखाने होते हैं किस तरफ से जा रही है, ठीक है, और बीच में ऐसा डॉट भी दिखाया करो, ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि आपको पता चले आधे से मुड़नी है ये, ठीक है ना। हम लोग नहीं दिखाते क्योंकि आदत बनी हुई है करने की, साल हो चुके हैं अपने को करते हो। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस के सामने रखा गया, ये रहा मेरे बच्चे कॉनकेव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1, 2f1, f2, 2f2, इधर रखा गया ऑब्जेक्ट, पहली रे सीधी निकाल, फोकस को यूज करके फैला दे, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से ले जा, यहां तेरे को छोटी सी इमेज दिख जाएगी बेटा, हाँ या ना, करा हुआ है कई कई बार तुम लोगों ने भी, मैंने भी, ठीक है, ड्रॉ करोगे जितना उतना अच्छा रहेगा बच्चों, ठीक है। बोर्ड देना है ना इस साल, है ना, इसलिए प्रैक्टिस करके बैठना, आपको यह सेशन देखना ही तभी है जब आप रे डायग्राम की बढ़िया से प्रैक्टिस करो। मैं हर वीडियो के लास्ट में, जब भी रे डायग्राम बताता हूं उससे लास्ट में जरूर बोलता हूं ये बात कि भाई प्लीज इनको आप याद कर लो, लिख लिख के, बना बना के, पेंसिल स्केल से रगड़ दो, सफेद कागज को काला कर दो, लेकिन खूब प्रैक्टिस करनी है आपको न्यूमेरिकल उठाने से पहले, उसके बाद न्यूमेरिकल उठाओगे तो आपको मजा आएगा, नहीं तो उससे पहले मजा नहीं आएगा, आपको दुख लगेगा, बर्डन लगेगा आपको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये मशहूर क्वेश्चन है बड़ा, कि आधे लेंस को काला कर दिया तो इमेज बनेगी क्या, उत्तर है हाँ, 100% बनेगी इमेज, बढ़िया इमेज बनेगी, पूरी इमेज बनेगी, कमी क्या होगी लेकिन इमेज के अंदर, तो कमी ये होती है बेटा इमेज के अंदर कि वो थोड़ी सी शार्प नहीं होगी, उसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम होगा, ठीक है ना, मतलब हल्का सा ब्लरनेस होगी उसके अंदर, ब्लरनेस का मतलब उसकी बाउंड्रीज तो होंगी लेकिन जितना कलर उसका आना चाहिए, जितनी ब्राइटनेस उसकी आनी चाहिए उतनी ब्राइटनेस नहीं आएगी उसके अंदर, ठीक है ना, कंट्रास्ट आप समझते हो ना, कलर थोड़े से फीके लगेंगे आपको, तो इमेज थोड़ी सी फीकी बनेगी, बनेगी पूरी लेकिन सर से लेके पैर तक पूरी इमेज बनेगी लेकिन हल्की सी फीकी होगी देखने में, मजा नहीं आएगा मतलब देखने में, समझ गए ना, ये बात है। करते हैं बात, एक कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस का ऊपर वाला सिरा बोलो जी काला कर दिया, अब काला ही है तो पीछे बैकग्राउंड तो मैंने इसको हरा कर दिया, ठीक है, मतलब इसके ऊपर आप समझ लो कोई काला कपड़ा चढ़ा रखा है, कोई पेंट कर दिया गया है, कोई ग्लेस पेपर चढ़ा दिया है ना, या आप इवन ये भी सोच सकते हो कि तोड़ दिया इसको ऊपर से, आधा ही छोड़ रखा है बस, ठीक है, तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो कह रहा विल द लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, उत्तर है हाँ, यस, पूरी बनाएगी। शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1 ऑफ सच कवर्ड लेंस विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। इसके लिए आप एक चलाकी भी कर सकते हो, बताऊं क्या, नीचे वाला आधा काला कर दो इसके लिए आप एक चलाकी भी कर सकते हो, क्या क्या आप नीचे वाला आधा काला कर दो, 1/2 ही तो बोल रहा है यार, तो हम तो बहुत चालू लोग हैं, हम तो नीचे वाला आधा कर देंगे, यहां पर रख देंगे ऑब्जेक्ट को, ये f1 है,
ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है, तो यहां हम रख देंगे ऑब्जेक्ट को, ऐसे निकल के जाएगी, ऐसे और ऐसे निकल के जाएगी, और यहां कहीं आपको इमेज मिल जाएगी, बनेगी, बढ़िया इमेज बनेगी, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ तुम्हें क्या लगता है, एक ऑब्जेक्ट से खाली दो ही रे निकलती है क्या? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तीसरे वाले को, और दूसरा वाला भी इसी से एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं तीसरा वाला एक्सप्लेन कर रहा हूं, दूसरा भी इसी से एक्सप्लेन हो जाएगा जो मैं भी बोलने वाला हूं। मुझे एक बार बताओ, क्या एक ऑब्जेक्ट से केवल दो ही रे निकलती है क्या? एक ऐसे सीधी और एक ऐसे ओसे, क्या मजाक कर रहे हो? इस ऑब्जेक्ट से करोड़ों रे निकल रही है, और सीधी ही दिशाओं में नहीं निकल रही, सब दिशाओं में निकल रही है, रेडियली आउटवर्ड। उधर जो खड़ा है उसको भी ये दिख रहा है, यहां जो राइट में खड़ा है उसको भी ये दिख रहा है, तुमको भी ये दिख रहा है, मुझको भी ये दिख रहा है मार्कर। यानी ये सब दिशाओं में क्या कर रहा है, रेज फेंक रहा है अपनी। तो तुमको क्या लगता है कि अगर ये वाली रे ब्लॉक हो गई है, या यहां कोई रे डाली गई थी ऐसे करके, ये ब्लॉक हो गई है यहां पर, तो नीचे से नहीं जाएगी क्या, इधर से नहीं निकलेगी क्या, इधर से नहीं निकलेगी क्या, यहां से नहीं निकलेगी क्या, पैरों से नहीं निकलेगी क्या? क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? पर ये बना मत आना भाई, सब हिल जाएंगे। ठीक है, ये बना मत आना, एग्जामिनर समेत सब हिल जाएंगे भाई, ये क्या बना दिया, इधर से भी रे, इधर से भी रे, इधर से भी रे। तो सब तरफ से रे निकलती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर आधा काला कर दे तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, आधी रे ब्लॉक हो जाएंगी ना। अरे ऊपर से जाने वाली रेज ब्लॉक हो जाएंगी, नीचे से जाने वाली रे तो उतनी जाएंगी, नीचे से तो उतनी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर लेंस काला ना होता, अगर ये लेंस काला ना होता, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 10,000 रेज, 10,000 रेज उधर पहुंच करके इमेज को बना रही थी, बढ़िया से उधर इमेज बन रही थी। तुमने आधे लेंस को ढक दिया, तो अब कितनी पहुंच रही है, 5,000 पहुंच रही है ना। तो 5,000 खाली पेट से और सर से थोड़ी पहुंच रही है यार, पूरी बॉडी से 5,000 पहुंच रही, पूरी बॉडी से पहले भी 10,000 पहुंच रही थी, अब पूरी बॉडी से 5,000 पहुंच रही है इस ऑब्जेक्ट की। तो अगर 5,000 ब्लॉक भी हो गई तो भी 5,000 तो पहुंच गई ना, तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, कॉन्ट्रास्ट आधा रह जाएगा। तो ये जब पूछ रहा ना, हाउ विल द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज फॉर्म द हाफ कवर्ड लेंस कंपेयर विद द नॉन कवर्ड लेंस, तो द इंटेंसिटी विल बिकम हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ रेज दैट आर फॉर्मिंग द इमेज आर रिड्यूस्ड टू हाफ। ऐसे लिखना है आपको वहां पर, समझ गए ना, इसी बात को अपने पास टाइप कर लो, लिख लो, और इसी का आंसर बेटा ऐसे देकर के आना है आपको। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। मशहूर क्वेश्चन है ये भी, प्रीवियस ईयर बोर्ड में आया हुआ है कई बार। ठीक है ना, देखते हैं क्या कह रहा है ये। एक बच्चा है और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है ना। एक बच्चा स्टूडेंट ने एक कैंडल फ्लेम को, यानी ये ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, व्हाइट स्क्रीन पर फोकस किया, यानी इमेज डिस्टेंस की बात होगी यहां पर, है ना। स्क्रीन मतलब इमेज, फ्लेम मतलब ऑब्जेक्ट। बाय प्लेसिंग अ फ्लेम एट वेरियस डिस्टेंसेस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, खुशी हुई सुनकर के। ही नोटेड हिज ऑब्जर्वेशंस एज गिवन बिलो। ठीक है बच्चों, ये यू दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम, ये यू है, ये यू की वैल्यूज है, कभी 60 ली, 40 ली, 30 ली, 24 ली, 12 ली, और ये वी है, ये इमेज डिस्टेंस है, 20 लिया, 24 लिया, 30 लिया, 40 लिया, 70 लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है इन विच केस साइज ऑफ इमेज, इमेज क्या होता है, इन विच केस इज द साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा कौन सा केस है जिसमें इमेज का साइज छोटा और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा? कैसे निकालूं कि इमेज का साइज छोटा और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा? अरे यार, तेरे को 5 वैल्यूज दिए नहीं दिए, 5 वैल्यूज दी है या नहीं दी है? दी है ना, तू सबका m कैलकुलेट कर ले, हर केस में m कैलकुलेट कर ले। जिसका m 1 और 0 के बीच में लाए करेगा, बात खत्म, वो आपका आंसर होगा। 60 डिवाइड बाय 24 क्या होता है, v बाय u होता है ना यार। भाई m क्या होता है, v बाय u ना। v कितना है, 20 है, इसमें 60 है, ये इसका आंसर फर्स्ट तो है ही है, इसका आंसर फर्स्ट तो है ही है। 40 और 24, 24 ऊपर 40 नीचे, दूसरा भी इसका आंसर है, इसमें भी छोटी बन रही है, इज द साइज ऑफ इमेज सोलर देन है, इसमें भी है, इसमें होगा 30/30, 30/30 यानी 1, यानी ये सेम साइज है, ये सेम साइज है, छोटा वाला साइज नहीं है। 40/24 ये भी 1 से बड़ा जाएगा, और 70/12 ये भी 1 से बड़ा जाएगा। तो यानी ये सारे केसेस जो है, ये एनलार्ज वाले, ये सेम साइज वाला, ये एनलार्ज वाले, और ये छोटे वाले, इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम। हाँ, थर्ड केस में है जी ऐसा, थर्ड केस में सेम है। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमने मैग्निफिकेशन निकाली और उससे हमको देखने में आया कि मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो 0 या 1 के बीच में लाया कर रही है, यानी 1 से छोटी है,
तो इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज है वो 1 के बराबर है तो सेम साइज है। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ऐसा सच कुछ प्रैक्टिकल था नहीं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन बस आपको लॉजिक आना चाहिए बच्चों, गेस करना, ठीक है ना, और क्रैक करना आना चाहिए क्वेश्चन को। इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है। चलो भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है 2 या 3 बार कम से कम, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। कह रहा है एक लाइटेड कैंडल है प्लेस ऑन अ मीटर स्केल। ये मीटर स्केल क्या होता है, कभी मम्मी के साथ साड़ी कपड़े चुन्नी दुपट्टे लेने गए होगे अगर आप, तो आपने देखा होगा वहां पर दर्जी के पास या जो वो बेचने वाला होता है उसके पास क्या होता है, मीटर स्केल होता है, एक इतना लंबा ना मीटर स्केल होता है। घरों में नहीं होता ऐसे मीटर स्केल, बहुत कम होते हैं घरों में, तो मीटर स्केल आप लोगों ने देखा हुआ, वो मीटर स्केल यहां मैं बना रहा हूं। 1 मीटर का मतलब होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर। कुछ ड्राइंग कर लें आज, अरे वाह नाइस, पहली बार बनाया मैंने इसको लेकर के, कुछ नहीं तो अपने हाथ से बनाते थे सब। ये 0 सेंटीमीटर है बच्चों, और ये 100 सेंटीमीटर है बच्चों, और ये बीच में क्या होगा 50 सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है ना। चलो क्या बोल रहा है, कह रहा है एक लाइटेड कैंडल यानी ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर के मार्क पर रख दिया है, यानी यहां से 8 सेंटीमीटर बच्चों का यहां होगा, इस जगह पर होगा 8 सेंटीमीटर। यहां पर एक कैंडल रख दी गई है, ये लो कैंडल बना देता हूं भाई मैं पहले, ये कैंडल बना दी, ये फ्लेम बना दी, हमारे लिए यही ऑब्जेक्ट होता है। तुम कैंडल खड़ी कर लो, तुम डायनासोर खड़ा कर लो, मैं तो ऐसी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। बस फोकस ऑन व्हाइट स्क्रीन पेजर 92 सेंटीमीटर मार्क, उधर से 92 सेंटीमीटर, इधर से 92 मतलब यहां, उधर से 8 कम, उधर से 8 कम। यहां पर एक क्या रखी हुई है, स्क्रीन रखी हुई है, लोग स्क्रीन भी बनाते हैं, ये स्क्रीन होगी, यहां कई स्क्रीन ऐसे सेट कर रखी है 92 पर, ठीक है, 92 का 9 ही छुप गया है, आ जा भाई, ठीक है ना, 92 सेंटीमीटर पर। और एक कन्वर्जिंग लेंस रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर मार्क पर, अच्छा किया बना लिया ये, 50 सेंटीमीटर के मार्क पर एक क्या रख दिया बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है। सुंदर सा बना दे थोड़ा सा बढ़िया सा, अब ठीक है। He finds that the focal length of the given converging lens is 21 सेंटीमीटर with the help of this data. डेटा कहां है, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन अधूरा है बच्चों, मैं काम करता हूं इस क्वेश्चन को पूरा करता हूं पहले, ठीक है ना। कह रहा है कि इससे इसने ये निकाल लिया कि फोकल लेंथ जो है वो कितनी है, फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर है, ठीक है ठीक है, फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर है। और इसने कैसे निकाला होगा वो 21 सेंटीमीटर पता है, एक्चुअली में इस क्वेश्चन के अंदर फोकल लेंथ ही पूछी जाती है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। और 2 क्वेश्चन और आते हैं इसके साथ, वो 2 क्वेश्चन और आपको फायदा दे देंगे, आंसर यहां पर फोकल लेंथ का लिख ही दिया इसने, ठीक है ना, कौन टाइप करता है इसको, ठीक है ना। तो 21 सेंटीमीटर है ये, अच्छा अब कहां से आया 21 सेंटीमीटर, सवाल उठता है 21 सेंटीमीटर कहां से आया बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से कैलकुलेट होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर है बीच में, बोलो हां, 50 में से 8 माइनस करो जरा, 50 में से 8 माइनस करो कितना आएगा, 50 में से 8 जाएगा तो आएगा 42, है ना, क्या आएगा 42, ये डिस्टेंस कितना है बेटा 42 सेंटीमीटर है। ऐसे यहां से यहां तक का स्क्रीन तक का डिस्टेंस भी कितना है यार, 42 सेंटीमीटर है। और वो कह रहा है ये कैंडल जो है वहां पर वो छप भी रही है, वो शार्प इमेज यहां पर कैंडल की इधर बन भी रही है, तो इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब है कि जब वो शार्प इमेज वहां बन रही है और ये सेम डिस्टेंसेस पे बन रही है, तो इसका मतलब इसको रखा गया है 2F1 पर, और ये कहां है 2F2 पर। यही एक केस होता है जब U और V बराबर होते हैं, चेक कर लो, मुझ पर यकीन नहीं होता, चेक कर लो, U और V कब बराबर होते हैं, U और V तभी बराबर होते हैं जब आप कहां रखो ऑब्जेक्ट को, 2F1 पर, और इमेज का बने 2F2 पर। यानी यहां पर ये 2F1 है और यहां पर ये क्या है, ये 2F2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां F2 आएगा कहीं सेंटर पॉइंट पर, यहां आएगा F1 सेंट्रल पॉइंट पर, ये कितना होगा यार, खुद ही बता दो कितना होगा, अरे 42 का आधा कितना होगा 21 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेट करना आता है लेकिन भाई साहब ने यहां टाइप ही कर रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आया ना कैसा क्वेश्चन आता है, अगर आपने ऐसे कैलकुलेट ना करना हो ना तो एक तरीका और है, आपको पता है U 42 सेंटीमीटर है माइनस का, V इमेज डिस्टेंस 42 सेंटीमीटर है प्लस का, क्या तुम F कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्या मजाक कर रहे हो क्या, फॉर्मूला लगाओ और F कैलकुलेट करो, आपका आंसर 21 निकल के आएगा, गारंटी की बात है, ठीक है बच्चों, आंसर क्या निकल के आएगा 21 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। तो ये तो हो गया एक, दूसरा क्या सवाल पूछता है पता है, दूसरा ये पूछता है, कहता है कि
अभी इसको रखा हुआ 8 सेंटीमीटर मार्क पर। क्वेश्चन आगे एक्सटेंड करता हूं मैं, ठीक है ना, क्वेश्चन आगे एक्सटेंड करता हूं, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी इसको कहां रखा हुआ बच्चों, 8 सेंटीमीटर के मार्क पर। अब पता क्या बोलेगा, बोलेगा भाई इस 8 सेंटीमीटर को उठा करके ना 21 आगे और रख दिया है, मतलब अब मार्क कौन सा हो गया, अब मार्क हो गया 29th, 8th मार्क था ना 8 सेंटीमीटर पर था ना, अब 21 और बढ़ा दिया गया है। 21 और बढ़ाने का मतलब 21 प्लस 8 कितना हो गया, 29th पोजीशन पर इसको लाकर रख दिया, यानी 29 सेंटीमीटर पर लाकर रख दिया। तो यहां पर पूछेगा कैसा क्वेश्चन कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 29th सेंटीमीटर मार्क, या 29 सेंटीमीटर मार्क ले देता हूं, टीएच का कोई मतलब नहीं है, 29 सेंटीमीटर मार्क पर रख दिया है, तो पूछेगा यार इमेज का नेचर बताओ या इमेज का डिस्टेंस बताओ क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस बताओ क्या होगा, मुझे आप खुद ही बताओ। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा करके फोकस पर ले आऊं, अगर मैं इसको उठा करके कहां ले आऊं, फोकस पर ले आऊं, फोकस पर ले आऊं, तो आपको इमेज दिखेगी ही नहीं, क्योंकि कैसी निकल जाएगी, पैरेलल। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, तब इंफिनिटी। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आता है बंच में, आते हैं तीन क्वेश्चन बनकर के आता है वाला क्वेश्चन, तो 5 नंबर का क्वेश्चन लगभग बनता है वाला, या 3 नंबर का आएगा या 5 नंबर का आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा भी पूछता हूं अभी, क्वेश्चन नंबर 3, इसी के बेसिस पर, इसी डेटा पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जाता है बच्चों, बोलेगा यार अभी तुमने इसको 29th मार्क पर रख दिया था ना, कहेगा अब इस 29th मार्क से ना मैंने इसको थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर दिया है। दिस ऑब्जेक्ट इज नाउ शिफ्टेड फर्दर, फाइंड द नेचर, नेचर फाइंड करो इमेज का, नेचर तो इमेज का ही फाइंड करते हैं, ऑब्जेक्ट का तो अपने को पता होता है। तो बोल रहा कि अब इसको थोड़ा सा और आगे ले गए हैं, थोड़ा सा और आगे ले जाने का क्या मतलब होता है यार, थोड़ा सा और आगे ले जाने का मतलब होता है यहां कहीं ले आए होंगे इसको, अब यहां ले आए हैं तो पहली रे ऐसी, दूसरी रे ऐसी, ये पीछे बनेगा नहीं बनेगा, जल्दी से बोलो हाँ या ना, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, इसका नेचर क्या होगा यार, इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा इरेक्ट वर्चुअल, इरेक्ट वर्चुअल और एनलार्ज्ड और बिहाइंड द लेंस, ठीक है। तो ये आपको बना के देखना पड़ेगा, या आपको ये बात प्रैक्टिस करते करते पता चल जाएगी कि जब आप ओ और एफ वन के बीच में लेकर के आओगे तो ये तो होना ही था, ई तो होना ही था, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4 क्या क्या, इरेक्ट है जी, वर्चुअल है जी, एनलार्ज्ड है जी, और बिहाइंड द लेंस है जी, बिहाइंड द लेंस है जी, ठीक है ना। तो ये पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन बन गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो कहना है इसको कह लो आप, ठीक है। हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। एक काम करना, इस वीडियो को बैक करके और मेरे बोलने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करना आप, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाना, वैल्यूज ऐसी ही रहती हैं इसमें, सिंपल सिंपल सी। ये मत समझना कि सर वैल्यू आड़ी तेड़ी आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, ये तो 2F वाला केस बन ही गया था, मान लो 2F वाला केस ना बना तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड के अंदर, सिंपल ही चलता है हिसाब किताब, क्योंकि तब बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी आ जाएगी यार, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मन ही मन में द्वंद्व उत्पन्न हो जाएंगे बहुत सारे, यार ये क्या दे दिया, 15 मिनट लग जाएंगे उस एक क्वेश्चन को करने में। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, सिंपल ही रखा जाता है क्वेश्चन को ज्यादातर। चलिए, इट इज डिजायर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, भाई पहले ही बोल रहा है कि इरेक्ट इरेक्ट के साथ वर्चुअल फ्री मिलता है, ये पता करके क्या मिला मुझे, देखते हैं, कोई नहीं। जूसी का कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है यार, कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है कि फोकस आपने पॉजिटिव वाला लेना है, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है, और कितनी रखी है वो 20 सेंटीमीटर रखी है, एफ आपको दे रखा है प्लस 20 सेंटीमीटर। ये सब लिखने के बाद पूछ क्या रहा है तो देख लें, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर मिरर किसने बोला, मिरर 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 कुछ नहीं है यार, लेंस है, ठीक है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कह रहा है कि इरेक्ट बनानी है, वर्चुअल बनानी है और कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। अरे यार, 6 केस थे ना कॉन्वेक्स के, उसमें से ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर वर्चुअल इरेक्ट बनती है, खुद ही बताओ, आप खुद ही बताइए कौन सा ऐसा केस है जो वर्चुअल इरेक्ट बनती है, बिटवीन ओ एंड एफ वन वाला केस, ये देख ये वाला केस, ओ एफ वन, टू एफ वन, एफ टू, टू एफ टू, ये वाला केस,
ये वाला केस था या नहीं था? इरेक्ट है, वर्चुअल है, मैं तो बोल रहा है इरेक्ट और वर्चुअल होगी। वर्चुअल तो चलो हमने खुद ही लिखा, इरेक्ट है कि नहीं है? इसके अलावा कोई केस ही नहीं इरेक्ट वाला, इसके अलावा इरेक्ट वाला कोई केस नहीं है कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है? तो कह रहा व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस, तो भाई रेंज क्या होगी? रेंज होगी 0 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक के बीच में कहीं भी रख लो। क्योंकि क्योंकि ये केस क्यों और यही रेंज क्यों? ये रेंज इसलिए क्योंकि ये ओ एंड एफ वन के बीच में लाए कर रहा है, दिस ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ओ एंड एफ वन, ठीक है ना? ऐसा लिखो, विल द इमेज बी बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? आपके सामने आंसर है यार बिगर है, ठीक है, बड़ा है तो बिगर आंसर है इसका, तो बिगर 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 इस टिक, टिक को मार, टिक मार दिया, ड्रॉ रे डायग्राम, ये रहा भाई रे डायग्राम, ठीक है ना? एरो शेरो बना देना तो ही मजा आएगा। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग बहुत 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 अवेटेड टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रहा, देखो ये लिखा, उससे पहले पावर ऑफ द लेंस, क्योंकि पावर ऑफ द लेंस छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 10-15 मिनट का, 20 मिनट का मैक्सिमम टॉपिक है। इसके अंदर कुछ ओलंपियड लेवल के भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन अब कौन सा ओलंपियड आप लोग देने वाले हो भाई, अब तो सीधा बोर्ड की तैयारी सब लोग बच्चे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर ऑफ द लेंस पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी पढ़ना है, दो तीन लेंसेज का कॉम्बाइन कर दिया, उसके बाद उसकी क्या फोकल लेंथ, क्या पावर होती है, नेट पावर, वो सब देखेंगे, ठीक है? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और न्यूमेरिकल करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, जितने भी पिछले सालों के पेपरों में आए हैं, ठीक है ना? तो चलिए फिर, कैसा लगा बच्चों ये न्यूमेरिकल सेशन जरूर बताइएगा कमेंट के अंदर। और हर न्यूमेरिकल सेशन को सॉल्व करने से पहले थ्योरी को पढ़ना, यानी रे डायग्राम्स को बना बना करके देखना, ये आपका कर्तव्य है, आपका ये दायित्व है, तब जाकर के आपने न्यूमेरिकल वाले सेशन पर वो थंबनेल क्लिक बेट करना, नहीं तो उस पर क्लिक बेट क्लिक नहीं करना उसके ऊपर, ठीक है ना? उससे पहले आपने रे डायग्राम करने हैं पहले, ठीक है बच्चों? तो उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो और बोर्ड में फोड़ने वाले हो, है ना? तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।